सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी सभी यार। वेलकम बैक विद अदर वीडियो यार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। आप सभी को यार न्यू शेड्यूल का बहुत ही तेजों से इंतजार था, अब वो समय समाप्त हो चुका है। आपकी जो न्यू शेड्यूल है वो आ चुकी है एंड यार आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम इसी शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड यार ये लेटेस्ट है, 26 तारीख का है यार। कल ये अपडेट नहीं हुआ था वेबसाइट पे, लेकिन अभी ये कुछ देर पहले ही आई है, 2-3 बजे के आसपास ही। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरी शेड्यूल के बारे में, आपका कब क्या कैसे कब होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम यार DSU को ऑनलाइन वेबसाइट पे चले यार, मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको ये डाउनलोड कहाँ से करोगे आप न्यू शेड्यूल। जैसे कि मैंने बताया था यार, सारी अपडेट जो होती है वो सबसे पहले हमारे मेन वेबसाइट पे होती है DSU.ac.in पे। तो यार आप यहाँ पे जाओगे एंड ये जो पॉपअप शो हो रहा है आपका यहाँ पे, ये जो न्यू है एडमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ये अपडेट हो चुका है, नया अपडेट आ चुका है। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप ये वाली सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 तारीख है, मतलब कि लेटेस्ट है हमारे पास ये। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें तो आपका सेम है ऊपर का। हम चलते हैं अपने न्यू शेड्यूल पे। जो ये हमारा है फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो चुका है, हम देखते हैं सेकंड राउंड का अब क्या है कैसे होगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये 27 तारीख है, मतलब कि आज आप सभी के यार जो है सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 5 बजे के आसपास। लेकिन यार ये 5 बजे का है, हम इसको मान के चलते हैं हमारा जो ये रिजल्ट आएगा वो 6 बजे के पास आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? यार ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 बजे के आसपास यार जो है साइट का जो सर्वर टाइट हो जाएगा, सर्वर बढ़ जाएगा यार, ट्रैफिक बढ़ जाएगी, तो उसके कारण की वजह से यार ट्रैफिक स्लो डाउन भी हो सकती है, मेंटेनेंस में जा सकती है एंड यार वेबसाइट काम नहीं करेगी। तो हम इसको मान के चलते हैं कि 6 बजे तक हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6 बजे के आसपास हम लेके चलते हैं कि हमारे पास ये सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड राउंड की जो फीस है 7,500 रुपीज, वो 28 तारीख से भरनी पड़ेगी, कल से, मतलब कि कल से लेकर 29 तारीख तक, परसों तक। ठीक है, तो ये 7,500 रुपीज यार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को भरनी पड़ेगी जिनको सेकंड राउंड में सीट मिली है, जिनको फर्स्ट राउंड में मिल चुकी है सीट यार एंड उन्होंने पे कर दिया है 7,500 रुपीज। तो यार उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा इस राउंड में, बस उनको जो कॉलेज मिला है उसको बस उसको लॉक करना पड़ेगा या फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं। लेकिन यार जो भी इस राउंड में न्यू बच्चे हैं जिनको न्यू कॉलेज मिला है यार, उसको सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपीज भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके पास फीस भरने के बाद हम यार यहाँ पे ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे चलेंगे। तो 29 तारीख को हमारे पास ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, हमारे पास वैसे ही होगा जो आपने अपलोड कर रखा है, उसी के बेसिस पे हमारे पास ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 बजे के आसपास होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं 1 घंटा एक्स्ट्रा 6 बजे के आसपास। ठीक है, तो फिर यार यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ द बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना पड़ेगा वो 30 तारीख को अपलोड करना पड़ेगा। बाकी जो है आपके पास ये सेकंड राउंड की फ्रीजिंग एंड अपग्रेडेशन, ये आपकी 30 तारीख को होगी 8 बजे के बाद। मैं बता दूं यार सिंस जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड में एक ही दिन का समय मिला था आपके पास फ्रीजिंग एंड यहाँ पे अपग्रेडेशन का, तो इसमें भी आपके पास एक ही दिन का समय मिलेगा। जिसने यार फर्स्ट राउंड में नहीं करा था, उनको सीट पसंद नहीं आई थी, अपग्रेड करा था, तो इस राउंड में जिनको मनपसंद सीट मिल गई थी उनको यार करना क्या है, फ्रीज कर देना है। उसके टेंशन मत करना, कब क्या कैसे ऑप्शन आएगा वो मैं बता दूंगा, उसके टेंशन नहीं है। ठीक है, बस यार फिर यहाँ पे नोट पे यही लिखा हुआ है कि जिस और जिस जौन से बच्चे फ्रेश कैंडिडेट्स है, जिनको फ्रेश यहाँ पे सेकंड राउंड में काउंसलिंग में यहाँ पे इनको सीट मिली है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को 7,500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अन्यथा जिसको नहीं करना पड़ा था, जिसने फर्स्ट अपने राउंड में कर दिया था, उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। एंड यार यहाँ पे फिर हम थर्ड राउंड की बात करें, तो थर्ड राउंड के हमारे पास यहाँ अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है। थर्ड राउंड के जो आपके पास यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस फिलिंग है वो 29 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बजे के आसपास हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी एंड यार फिर आगे का प्रोसेस जो है ये 2 वीक कंटिन्यूड है, यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई है अभी तक। जो भी अपडेट आएगी उसके टेंशन मत करना, वो मैं बता दूंगा। एंड यार यहाँ पे आपका विड्रॉवल सीट आपके थर्ड राउंड के बाद होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर हम बात करें यार आपके लास्ट डेट एंड इसकी स्पॉट काउंसलिंग की, तो ये भी आपके पास अभी तक नहीं आया है, राइट। तो ये थी आपके पास न्यू शेड्यूल। तो आपका जो रिजल्ट है वो 27 तारीख के 6 बजे तक आ जाएगा। हम यहाँ पे यार 5 बजे के आसपास टाइम दे रखा है, लेकिन हम यार यहाँ पे इसको 6 बजे के आसपास लेके चलते हैं। ठीक है, तो भाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल से आपके फिर आपके पास फीस वगैरह सब देने की समय स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तब तक ले चलता है, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। बाय बाय।